हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के मैं इस वीडियो में जा रहा हूँ डिस्कस करने के लिए एलिमल किंगडम का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें इसमें स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे दो फाइलम। फाइलम सिक्स है ये आपका एनेलिडा, और फाइलम सेवन है ऑर्थ्रोपोडा। तो इससे पहले आप लोग बच्चों ऑलरेडी पाँच फाइलम पढ़ चुके हो, ठीक है? तो चलो इन फाइलम को हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फास्ट ट्रैक बायोलॉजी रिविजन्स के नेक्स्ट सीरीज का वीडियो पार्ट, ठीक है बच्चों? मैं आपका दोस्त एनवायरमेंटर अब्दुल मन्नान, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम एनेलिडा, ठीक है? फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा का सबसे पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने जब सेगमेंटेशंस पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है? अब यहाँ पे जो एनेलिडा वर्ड जो रखा हुआ है, एनेलिडा का मतलब होता है एनुलस, ठीक है बच्चों? ये है एनुलस, और एनुलस जो होता है एक छोटा सा रिंग्स होता है, और ये सारी कहानी शुरू हुई किसके वजह से? ड्यू टू द सेगमेंटेड बॉडी के वजह से। तो एनेलिडा को सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों? सेगमेंटेड वॉर्म्स क्यों? क्योंकि का बॉडी जो होता है वो डायरेक्टली आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड से क्या होता है, ये सेगमेंटेड दिखता है। अंदर पार्टीशंस होता है, बाहर रिंग के तौर पे रहता है। तो इसी रिंग अपेयरेंस के बेसिस पे एक ग्रीक लैटिन वर्ड है एनुलस, और उसी से ये वर्ड बना है एनेलिडा, ठीक है बच्चों? तो टर्म्स एनेलिडा जो है ये इंडिकेट करता है कि ये सेगमेंटेड है, इसलिए इसका कॉमन नेम भी रखा है सेगमेंटेड वॉर्म। जैसे कि यहाँ पे एक है नेरिस, और ये हेरोडिनास का स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, सेगमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख सकता है, ठीक है बच्चों? तो ये तो रहा नाम की बात। आगे चलो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हैं। तो इसके जो मेंबर है वो एक्वेटिक हो सकते हैं और टेरिस्टेरियल्स। एक्वेटिक में ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। सम मेंबर इसमें फ्री लिविंग होते हैं एंड सम आर इसमें पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है ना? मैक्सिमम जो है वो फ्री लिविंग होते हैं, फ्यू ही क्या होते हैं इसमें, पैरासाइटिक्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है बच्चों? दूसरा कैरेक्टर आ जाओ, एग्जिबिट द ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनका बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसा होता है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल। तो एक बार याद करा दूं मैं बच्चों, ठीक है ना? स्पॉन्ज जो था वो सेलुलर ग्रेड के था बॉडी, ठीक है ना? और उसमें टिश्यू बना नहीं था, तो उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद सेलेंटेटा और टीनोफोरा, ये दोनों में क्या हो गया था? टिश्यू लेवल हो गया था। प्लेटीएलिमेंट्स में ऑर्गेन, और एस्केलिमेंट्स के बाद से अब जितने भी मेंबर पढ़ने वाले हैं उन सब में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एनिलिडा के जितने भी मेंबर हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बाइलेटेरियाज होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो बोला ही ऊपर होता है। और इनमें सिलोम जो होता है वो यू सिलोमेट कंडीशन होता है, तुम्हारा मतलब ट्रू सिलोम है, मतलब इनका जो सिलोम है बॉडी कैविटी जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेड होता है, ठीक है बच्चों? मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें, सॉरी मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला, कि जो इसमें जो सेगमेंट होता है वो कम्प्लीटली मेसोडर्म से लाइन होता है, इसलिए हम उसको बोले हैं तुम्हारा सिलोमेट एनिमल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके जो मेंबर हैं इनमें खास चीज यहाँ से पता चलने वाला है कि इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों तरह के मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा इनके पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, स्पेशली एक्वेटिक जो एनिलिड है जैसे कि नेरिस, उनमें एक लेटरल अपेंडिजेस होता है, दैट इज द पैरा पोडिया कहलाता है, जो इनको स्विंग करने में हेल्प करता है तुम्हारे इसमें, ठीक है? इसके अलावा और भी कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है बच्चों, बट इससे पहले ही यहाँ पे आगे बढ़े तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था एस्की हेलमेंट्स, ठीक है ना? तो एस्की हेलमेंट्स के मेंबर में यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स तो बन गया था, लेकिन सर्कुलर मसल्स अभी भी नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज सर्कुलर दोनों तरह के मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों? अदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो बच्चे और भी अदर है स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, यहाँ पे सीटी है, सकर है, और पैरापोडिया, ठीक है? आगे जब पढ़ेंगे बच्चों तो हमें पता चलेगा कि फाइलम एनेलिडास को भी फर्दर हम लोग इसमें कुछ क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पॉलीकीटा है, ओलिगोकीटा है, और हीरोडेनेरिया। तो मेनली तीन ही याद रखो, तो पॉलीकीटा, कीटा और सीटा, कीटी और सीटी, ठीक है? तो सीटी क्या होता है, ये आपका एक स्मॉल हेयर लाइक आउट ग्रोथ होता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये लोकोमोशंस पे क्या करता है, हेल्प करता है। सकर जो हो गया हीरोडेनेरियास के मेंबर में, और
जो तुम्हारा पहला वाला था पॉलीकीटा, उसमें पैरापोडिया, सिटीकीटी तो होता है ही, पैरापोडिया में भी होता है, और कीटी जो होता है वो बेसिकली तुम्हारा ओलिगोकीटास का मेन लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है। साथ में उधर सर्कुलर मसल्स भी जो पड़ा था वो भी एक तरह का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होता है जो लोकोमोशंस में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अदर स्ट्रक्चर्स की बात करें एनेलिडा में, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यहाँ पे क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनेलिडा के केस में। ठीक है, और बच्चों ये पहला है, ये फर्स्ट मेंबर है जिसमें क्या होता है, हार्ट इज हार्ट फर्स्ट मेंबर है जिसमें क्या होता है, तो इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स बना है तुम्हारा। ये पूरे एनिमल किंगडम का फर्स्ट मेंबर है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। दैट मीन्स हार्ट इनके पास है टू पंप द ब्लड, और वो फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था। तो ध्यान रखना सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा है, क्लोज टाइप्स का होता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है नेफ्रिडिया, सिंगुलर अगर पढ़ना हो तो नेफ्रिडियम कहा जाता है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशंस प्लस एक्सक्रीशंस में काम करता है। ठीक है ना, इसको आप लोग प्रोटो किडनी भी बोल सकते हैं, प्रोटो नेफ्रिडिया तो अलग चीज़ है, प्रोटो किडनीज भी बोल सकते हैं। तो ये पहली बार इसमें नेफ्रोन लाइक स्ट्रक्चर्स बना था, एग्जैक्टली नॉट द नेफ्रोन लाइक बट नेफ्रोन के जैसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशंस के थ्रू ही आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ पे कोई स्पेशल स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो जनरल बॉडी सरफेस से ये रिस्पायरेशंस करता है। और अगर मान लो स्पेशली नेरिस का केस अगर लेते हैं, तो इसके पास कुछ एक्सटर्नल गिल्स होता है। ठीक है, जैसा कि पहले वाले वीडियो में हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सटर्नल गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल गिल्स इज देयर। ठीक है, तो एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू होता है, लोकोमोशंस पढ़ ही चुके हैं। अब आ जाते हैं इसका नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम्स, तो नर्वस सिस्टम जो है एनलिडा का और ऑर्थ्रोपोडास का, दोनों का। ठीक है, एनलिडा का और ऑर्थ्रोपोडा दोनों का हम मैं एक ही बार में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को दोनों को कमाइंडली देख लेना। ठीक है, अब इसमें नेफ्रन में नर्वस सिस्टम्स में क्या क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर को भी छोड़ते हैं, हम मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, सी एन एस की बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की बात करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वन पेयर गेंगलिया, ये इक्विवेलेंट होता है किसके, ब्रेन का। उसके बाद डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है, एक ही होता है सिंगल, लेकिन ये डबल होता है, फ्यूज होता है। सेगमेंटल गेंगलिया हो गया, और उसके बाद इसके अलावा इसमें लेटरल नर्व्स होता है। तो इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है बच्चों, ध्यान से देखना अच्छा बनता है कि नहीं बनता है, देखते हैं कैसा बनता है। ये है बच्चों गेंगलिया, और ये तुम्हारा सिफेलिक गेंगलिया है। कैसा है, सिफेलिक गेंगलिया है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है इस तरह से। तो ये हो गया वन पेयर, इसी को बोल रहे थे ब्रेन, या बोल रहे थे गेंगलिया, या बहुत बढ़िया बोलना है तो सिफेलिक गेंगलिया बोल दो। फिर इसके पोर्शन से डबल वेंट्रल जो नर्व कोड है वो इस तरह से राइज होता है। ठीक है ना, डबल वेंट्रल, डबल वेंट्रल इसलिए क्योंकि जब इसका क्रॉस सेक्शंस करोगे बच्चों, तो ये इस तरह से कुछ हद तक दिखता है, ये देख सकते हो। और सॉलिड है मतलब इसमें कोई बीच में कोई जगह वगैरह नहीं होता, एकदम सॉलिड मास की तरह होता है। दैट्स वाई दे नोन एज द डबल वेंट्रल्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, डबल वेंट्रल्स। बीच बीच में क्या मिलेगा हम लोगों को, सेगमेंटल गेंगलिया, जैसे एक सेगमेंट्स में एक गेंगलिया प्रेजेंट होता है, ये हो गया अलग अलग गेंगलिया, तो ये सेगमेंटल गेंगलिया हो गया। नंबर वेरीज कर सकता है ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग, बट ये सेगमेंटल गेंगलिया। और इस सेगमेंटल गेंगलिया से इस तरह से नर्व फाइबर्स अराइज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं तुम्हारा लेटरल नर्व्स फाइबर्स, जो कि पूरे बॉडी में इस तरह से फैला हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोगों का सारा पार्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इसको क्या बोला बोला है बच्चों हम लोगों ने, तो सिफेलिक गेंगलिया, ये क्या हो गया, ये नर्व कोड हो गया कोट। उसके बाद ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया
सेगमेंटल गैंगलिया और ये सारे के सारे जो नर्व फाइबर दिख रहे हैं ये हैं लेटरल नर्व्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो चीजें हैं एक, उसके बाद ये हो गया आपका दो, ये हो गया आपका तीन और ये हो गया आपका चार। तो ये जो चार स्ट्रक्चर है ये मिलके बनाता है आपका नर्वस सिस्टम बनाता है। एनलिडा और ऑर्थ्रोपोडा दोनों में सेम है, एग्जैक्ट है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है आपको। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या है नया। नेरिस में अगर हम रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अब डिस्कस करते हैं तो नेरिस एक्वेटिक फॉर्म होता है और जितने एक्वेटिक फॉर्म होते हैं वो होते हैं डायोसियस। कैसे होते हैं बच्चों? ये होता है डायोसियस। ठीक है, और अर्थवाम और हिरोडिनास को लेकर चले, अर्थवाम हिरोडिनास को लेकर चलते हैं तो ये मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब हो गया कि बोथ द सेक्सेस प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म, दैट इज ये जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, बाई सेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, ये डायोसिस का मतलब क्या हो गया, ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो ध्यान रखना नेरिस जो होता है वो होता है यूनिसेक्सुअल और लीच और हिरोडिना मतलब अर्थवाम जो हो गया ये बाइसेक्सुअल्स होते हैं, बोथ द सेक्सेस प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। ओनली मीन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई एक सेक्सुअल फॉर्म नहीं होना है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है ध्यान में रखना। अब एक्सटर्नल में दो कंडीशन, आइदर इन वाटर और इन कुकून्स। ठीक है, तो जैसे नेरिस है तो उसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो वाटर में हो जाता है, बाकी जो हिरोडिनेरिया के मेंबर मतलब जो लीच है और ओलिगोकीटास के मेंबर, दैट मीन्स अर्थवाम जो है, हिरोडिनिया लीच और अर्थवाम के केसेस में क्या बोला, इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है कुकून के अंदर, और फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना एक्सटर्नल ही है। अब कुकून जो ये क्लाइटेलम्स के थ्रू बनाया जाता है, इसके थ्रू क्लाइटेलम्स के थ्रू बनाया जाता है। अब क्लाइटेलम्स क्या होता है, तो बच्चों मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे लीच नहीं लेता हूँ अर्थवाम ही ले लेता हूँ। केन स्टडी 11th में लीच अर्थवाम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये मान लो अर्थवाम का स्ट्रक्चर हो गया और इस तरह से उसका बॉडी जो है वो बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है। तो स्पेशली सेगमेंट नंबर 14, 15 और 16, इन सेगमेंट्स का जो पार्ट है वो स्पेशली क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हाईली ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हो जाता है और ये एक ऐसा कोट का फॉर्मेशन करता है जिसमें मैक्सिमम जो कॉम्पोजिशंस में होता है वो एल्बमिन्स होता है, जो एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो हार्ड हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया तेरा, एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, मतलब यहाँ से ग्लैंडुलर सिक्रेशन, जो सिक्रेशन के बाद यहाँ पे कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही पार्ट जो होता है बाद में ये बॉडी से निकल के अलग हो जाता है, ये अलग हो गया है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है कोकून। और इसी में एग और स्पर्म दोनों होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया बच्चों, एक्सटर्नल हो गया, इनसाइड द कोकून्स होता है। अब क्लाइटेलम जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना बच्चों कि नेरिस में तो होता ही नहीं है, एब्सेंट। फेरिटिमा दैट मीन्स अर्थवाम में प्रेजेंट होता है ऑलवेज, और हिरोडिनेरिया जो लीच हो गया उनमें ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना क्लाइटेलम जो होता है ये स्पेशल सेगमेंट होता है विच इज हाईली ग्लैंडुलर, विच सिक्रेट सम एल्बुमिनस सिक्रेशंस विच कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड बिकम हार्ड, दैट विल गोइंग टू फॉर्म द कोकून्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट इनसाइड दैट कोकून्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ओके बच्चों, नेक्स्ट है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है बच्चों देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कंडीशन है। इनडायरेक्ट जो होता है वो नेरिस में होता है, मतलब नो लार्वल स्टेज, ठीक है, और सॉरी डार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, और डायरेक्ट होता है तुम्हारा किसमें, हिरोडिनेरिया और ओलिगोकीटास के केसेस में, दैट मीन्स यहाँ पे लार्वा अब्सेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे लार्वा नेरिस के केस में लार्वा प्रेजेंट होता है। और नेरिस के लार्वा का जो नाम है वो है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा लिख लेना बच्चों, ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पे होता है, ठीक है। बच्चों फर्दर हम लोग इसके थोड़ा सा
क्लासिफिकेशंस को भी देख लेते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें जाननी थी वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशंस है वॉर्म्स का, वो बेस्ड होता है आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे स्पेशली, ठीक है। तो पॉलीकीटा, पॉली मतलब मैं नहीं, और कीटा वही सिटीज की बात कर रहे हैं, तो इसके बॉडी में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कीटी सिटी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे लार्वल स्टेज बोला, टोकोफोर लार्वा, ये रहा स्पेलिंग, देख लेना बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज होता है, ध्यान में रखना क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से यहाँ पे होता है। और ये एक नेरिस का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें ये एक्सटर्नल गिल्स दिखा रहे हैं, अच्छे से देख सकते हो, बाकी ये पैरापोडिया है। तो लोकोमोशन रिस्पायरेशन दोनों में काम करता है। इनमें क्लाइटेलम जो होता है वो अब्सेंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले बोला क्लाइटेलम इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो क्लास है आपका, क्लास दो नंबर है, वो है ओलिगोकीटा। ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, तो दैट मीन्स इसमें पैरापोडिया तो नहीं होता है, लार्वा भी नहीं होता है, लाइफ साइकिल इसमें मोनोसियस होता है, मतलब बाइसेक्सुअल हेमोफिलाइक कंडीशंस होता है। और इसमें फ्यू ओलिगो पॉलीकिट कुछ ही, इसमें पॉली मैंने जो कीटी सीटी जो बॉडी पे होता है वो कुछ ही अमाउंट में होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी कैसा होता है, क्लोज होता है। कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ऐसा, एक तो फेरिटीम आपके एनसीडी में दिया है, याद रखना इंडियन अर्थवर्म्स को बोला जाता है, बट ये दो एग्जाम्पल इसको भी ध्यान रख लो बच्चों, छोड़ने की जरूरत नहीं, एनसीडी में नहीं दिया तब भी, फिर भी मेरे हिसाब से मेरा सजेशन आप याद करो, लिम्ब्रिक्वाइट्स, यूरोपियन अर्थवर्म्स, ट्यूबीफैक्स, ब्लड वर्म्स, ये एनसीडी में दिया हुआ है वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर। मेगास्कोलिक्स होता है, ये साउथ इंडिया में कॉमन होता है, बहुत बड़े साइज का होता है, साउथ इंडियन वर्म्स कहा जाता है। हिरोडेनेरिया तीसरा जो क्लास है एनेलिडास का, वो है हिरोडेनेरिया। और इसमें स्पेशली हिरोडो जो होता है वो लीच को कहा जाता है तुम्हारा। इसमें क्या रखना है, इसमें क्लाइटेलम जो होता है वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। क्लाइटेलम कैसा होता है बच्चों, टेम्पररी, ये नीचे लिखा हुआ है, टेम्पररी क्लाइटेलम अपेयर्स होता है इसमें 9, 10 एंड 11 सेगमेंट्स में, जैसे अर्थवर्म के केस में 14, 15, 16, ठीक है ना। इसमें अर्थवर्म के केस में 14, 15 और 16 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कितना, 9, 10, 11, टोटल 33 सेगमेंट्स होता है। और लीच जो होता है ये एक्टोपैरासाइट होता है, सेग्वी बोरस होता है, ब्लड शकिंग होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन ओपन होता है, ठीक है। अभी तक दोनों में क्लोज क्लोज, अगर एनेलिडा का पूछे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बच्चों, सिर्फ एनेलिडा का, नो अदर एग्जाम्पल्स, तो आपको बोलना है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। बट उसमें स्पेशली हिरोडेनेरिया के केस में क्या होता है, ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब इनका भी जो सिलोम होता है वो ब्लड से भरा हुआ रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ, सिलोम इज फिल्ड विद द मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यूज कॉल ब्लड, वो बोट्राइडल टिश्यूज, इसको भी ध्यान रखना, बोट्राइडल टिश्यू या अदर एक वन टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बच्चों हिरोडेनेरिया का क्लास, ये है तुम्हारा थर्ड, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस पे हमेशा नीट बायोलॉजी से रिलेटेड और नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं गुवाहाटी में डिमकेर इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस तो हैं ही आपके लिए फ्री, अगर आपको क्लासरूम प्रोग्राम में ज्वाइन करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फाइलम है, ये आपका है 7, 8, 9 नंबर है ये, ठीक है। नहीं, पता नहीं नंबर तो मैं भूल गया, देख लेना नंबर, ये तो नहीं है। हाँ, ये है आपका फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ध्यान में रखना, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ये बच्चों एनसीईआरटी में भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है ऑर्थ्रोपोडा, जो भी जितने पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग सब पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल किंगडम में ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है ना, लार्जेस्ट फाइलम इंक्लूडिंग इंसेक्ट इसी में आ जाता है तुम्हारा। और ये 2/3 टोटल ओवरऑल देखा जाएगा, 2/3 ऑफ ऑल द एनिमल स्पेसिमेन होता है ऑर्थ्रोपोड्स, मतलब 2/3 का मतलब हो गया अराउंड 70% लेके चल सकते हो। तो 70% पूरे एनिमल किंगडम्स की बात करें, इस अर्थ पे जितने एनिमल है उनमें 70% ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं। ऑर्गेन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है पता है, ठीक है ना। बायलेटरल सिमेटिकल्स होता है, टेप्लोब्लास्टिक होता है, सेगमेंटेड होता है, और इसमें सिलोम भी प्रेजेंट होता है, यूसिलोमिक कंडीशंस होता है, ठीक है बच्चों। ये भी टेरिस्टेरियल और एक्वेटिक दोनों होता है, फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों कंडीशंस में मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट्स लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। टेरिस्टेरियल एक्वेटिक बोथ, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों होता है, हर जगह मिलेगा हम लोगों को, ठीक
अगला फीचर्स है तुम्हारा बच्चों इसमें बॉडी जो होता है ऑर्थोपोड्स का वो कवर होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होता है, ठीक है। ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन का जो रीजन है यहाँ पे दे रखा है कि प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी मतलब टोटल एनिमल किंगडम का 70% एनिमल जो है वो आपका ऑर्थोपोड्स है, इसके पीछे इनके सक्सेस के पीछे जो रीजन है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। ये भी पॉइंट्स दिया हुआ एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन ये 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ इकोलॉजी में। तो इनके पीछे जो सक्सेस का रीजन है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन ही है, जिसके वजह से दे आर अडेप्टेड टू ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स। इवन आपके फ्रिज में भी कॉकरोच वगैरह घुसा हुआ रहता है, देखा होगा उसमें, तो इतने कोल्ड कंडीशंस में भी रहने की क्षमता इनमें होती है बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्थोपोड्स के जो मेंबर हैं इनका जो बॉडी होता है वो कंसिस्ट होता है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेंस। बट ये पॉइंट्स ध्यान रखना बच्चों, ये सिर्फ आपका इंसेक्टस के लिए लागू होता है। बट इन द केस ऑफ, अगर हम आगे थोड़ा सा बताऊं इसके क्लासेस के बारे में, ठीक है, तो क्लासेस में यहाँ पे टोटल बहुत सारे क्लासेस है, लेकिन कुछ क्लासेस आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे एक हो गया आपका एरेक्निडा, एरेक्निडा मतलब इसमें जैसे स्कॉर्पियन वगैरह आ जाता है, ठीक है ना, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स वगैरह आ जाता है, स्पाइडर आ जाता है तुम्हारा बच्चों। एक दूसरा ध्यान रखना, ये क्रस्टेशियन है, ठीक है ना, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, ठीक है ना, जिसमें जो भी ये क्रैब हो गया, किंग क्रैब हो गया, पेलामेनोन्स हो गया, मैंने प्रॉन्स वगैरह हो गया, इन सबको ध्यान में रखना। दो, और तीसरा ये इंसेक्टा। तो तीन ही क्लास को आपको याद रखना है, लेकिन याद रखना बच्चों इंसेक्टी में दिया नहीं दिया इसकी चिंता मत करो, आपको याद रखना हेक्सापोडा। तो यहाँ पे हेक्सापोडास के केसेस में जो होता है बॉडी जो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटा होता है, बट इन द केस ऑफ क्रस्टेशियंस और आपका एरेक्निडाइड्स के केसेस में, ठीक है बच्चों, यहाँ पे इनमें जो केसेस है इनमें देख सकते हो, थोड़ा सा डायग्राम देख सकते हो, इनमें क्या होता है हेड और थोरेक्स ये दोनों फ्यूज कर गया है। हेड और थोरेक्स जो पार्ट है यहाँ पे भी देख सकते हो, हेड और थोरेक्स जो पार्ट है फ्यूज कर गया बच्चों, और फ्यूज करके ये बनाता है सिफेलो थोरेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चों, सिफेलो थोरेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इंसेक्टा के केस में ये चीज डिस्टिंक्ट है, बट बाकी के केसेस में ये डिस्टिंक्ट नहीं है। फिर भी एनसीईआरटी में पॉइंट है तो ध्यान रखना है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड एंड थोरेक्स एंड एब्डोमेंस। बट इन द केस ऑफ किसमें किसमें बोला बच्चों, ऐसे याद करो, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, क्रैब हो गया, या जितने भी क्रस्टेशियंस, उन सब में ये हेड और थोरेक्स फ्यूज होकर सिफेलो थोरेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा जो टर्म्स है वो ऑर्थो मींस होता है जॉइंटेड और पोडा मींस होता है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस का मतलब जैसे ये मान लो ये मेन बॉडी है और इसमें से जो भी चीज़ें आउट ग्रोथ के तौर पे निकला हुआ, जैसे ये फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब्स या पूंछ वगैरह हो गया या एंटीना वगैरह हो गया, तो ये सारे के सारे पार्ट्स क्या कहलाता है, अपेंडिसेस कहलाता है। तो इनमें जितने भी अपेंडिसेस होता है वो जॉइंटेड होता है, तो इसमें लिखा है जॉइंटेड अपेंडिसेस, ठीक है बच्चों, जॉइंटेड अपेंडिसेस। तो जॉइंटेड अपेंडिसेस वाला ये एनिमल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, और ट्रैकियल सिस्टम्स रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होता है, ठीक है बच्चों। गिल्स जो होता है बेसिकली एक्वेटिक जो भी फॉर्म है, मतलब जैसे तुम्हारा क्रस्टेशियन हो गया, प्राउन हो गया, क्रैब हो गया, उनमें प्रेजेंट होता है। बुक गिल्स जो है बच्चों ये होता है ल्यूमिलस, ये भी एक्वेटिक एनिमल्स है, ल्यूमिलस, किंग क्रैब जिसको बोले जाते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। और जो बुक लंग्स है ये स्कॉर्पियन और स्पाइडर जो कि एरेक्निडास के जो मेंबर थे उनमें मिलता है। और फ्रैकिया जो होता है जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म है मोस्टली इंसेक्टर्स के केसेस में ये मिलता है, जैसे कॉकरोच है या मॉस्किटोज होता है, उनमें ट्रैकिया रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। देखो ये बुक गिल्स और बुक लंग्स ये सब गिल्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ये गिल्स का ही क्या है तुम्हारा बच्चों, मॉडिफाइड फॉर्म्स होता है। ट्रैकिया रिस्पायरेटरी सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम जो होता है वो एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रिस्पायरेटरी सिस्टम माना जाता है, समझे बच्चों, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। ये पाइपलाइन जैसा होता है पूरे बॉडी में फैला होता है, जिससे बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गेन्स एयर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है, जो भी ऑक्सीजन चाहिए वो डायरेक्ट एटमोसफेयर से ले लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन टाइप का होता है, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है बच्चों, हेमो
सील मिलेगा, मतलब इसमें जो सिलोम होता है, बॉडी कैविटीज होता है, वो फिल्ड होता है ब्लड या लिम्फ से होता है, या हेमोलिम्फ से ब्लड होता है, ओपेडियम सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना हो तो आप कॉकरोच में जाना, वहाँ पे आपको और अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका नर्वस सिस्टम्स। तो नर्वस सिस्टम अभी थोड़ी देर पहले मैंने एनीलिडा में जो डिस्कस किया है वो सेम है। देखो यहाँ पे भी वन पेयर गैंग्लिया, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सेगमेंटल गैंग्लिया और लेटरल गैंग्लिया, एकदम बिल्कुल ये CNS वाला पार्ट है। बाकी उसमें सेंसरी ऑर्गेन्स के तौर पे यहाँ पे एंटीना, आईज, स्टेटोसिस्ट वगैरह वगैरह प्रेजेंट होता है। आई दो तरह का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड आईज बच्चों। ठीक है, तो जो सिंपल आई होता है ये डक नॉट फॉर द विजुअलाइजेशन, ये ओनली एक्ट एज ए फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे जो कंपाउंड आईज होता है, कंपाउंड आईज का मतलब हो गया जैसे हम लोग का एक सिंगल सिंगल आई, अब मान लो इस तरह का 10 आंख और लगा दो इस तरह का, तो कैसा दिखेगा? ऐसे कुछ कुछ दिखेगा, कंपाउंड आई दिखता है। ठीक है, ये कंपाउंड आई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसमें एक जो सिंगल यूनिट होता है वो विजुअल यूनिट के तौर पे होता है। जैसे कि यहाँ पे जो विजुअल यूनिट होता है वो होता है ओमेटिडिया। क्या होता है? ओमेटिडिया, कॉकरोच में मिल जाएगा बच्चों, वहाँ पे लिखा हुआ ओमेटिडिया, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पे ठीक नहीं लिखा मैंने, ओमेटिडिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जैसे एंटीनाज बोला, तो एंटीना जो होता है ये हेड के साइड में प्रेजेंट होता है, और इसी के बेसिस पे ये क्या करता है, सेंस करता है एट द टाइम ऑफ फूड सर्च कि वो फूड खाने लायक है नहीं, मतलब गैस्ट्रो रिसेप्टर और ऑल्फैक्टो रिसेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें स्टेटोसिस्ट होता है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गेन्स की तरह पे काम होता है, स्पेशली ये फंक्शनल होता है किसमें, एक्वेटिक फॉर्म में फंक्शनल होता है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गेन्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेशन के लिए इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों, जैसे मालपिगन टिबिल, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड को एंटेनरी ग्लैंड भी कहा जाता है। हाँ, अब आ जाते हैं मालपिगन टिबिल जो होता है ये टेरेस्टेरियल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जैसे इंसेक्टास वगैरह हो गया तुम्हारा, जितने भी टेरेस्टेरियल फॉर्म्स हैं। ग्रीन ग्लैंड जो होता है, एंटेनरी ग्लैंड जो होता है बच्चों, ये सब के सब किसके लिए होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा एक्वेटिक फॉर्म के लिए होता है, ध्यान रखना, किसके लिए, एक्वेटिक फॉर्म के लिए होता है, जैसे तुम्हारा प्राउन क्रैब जो भी है उनके लिए। और कॉक्सल ग्लैंड स्पेशली मिलता है हम लोगों को स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स में मिलता है कॉक्सस ग्लैंड। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि स्पाइडर में ये तुम्हारा मालपिगन टिबिल, मालपिगन टिबिल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, बट मछली जैसे अगर टेस्टेरियल फॉर्म है तो उसमें मालपिगन टिबिल्स, और एक्वेटिक फॉर्म है तो उसमें ग्रीन ग्लैंड या एंटेरी ग्लैंड के तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब आ जाता हम थोड़ा रिप्रोडक्शन के साइड में। तो अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये मोस्टली क्या होता है, डायोसिस। डायोसिस का मतलब हो गया ये यूनि सेक्सुअल फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, कैसा होता है, यूनि सेक्सुअल फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, टेरेस्टेरियल फॉर्म है या जो भी हो इसमें डेवलप हो गया है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनसाइड द जेनेटल्स पार्ट मतलब इनसाइड द बॉडी होता है। मोस्टली ये ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस मतलब दे लाइंग द एग, एग देने वाले जो भी एनिमल्स है वो होता है, और इनका एग जो होता है बच्चों ध्यान रखना ये माइक्रो लेसिथल होता है। माइक्रो लेसिथल मतलब ये इनमें जो योक का अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है, थोड़ा सा योक का रिलीज करते हैं। डेवलपमेंट इसमें कैसा होता है बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, मतलब यहाँ पे लार्वल स्टेज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि मैं जो डेवलपमेंट है दैट मीन्स मेटामॉर्फोसिस है वो किस स्टेज का है। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो मेटामॉर्फोसिस दैट मीन्स डेवलपमेंटल स्टेज सॉरी ऑर्थोपोडास के केस में तीन तरह का हो सकता है, एम एम ए मेटाबोलस डेवलपमेंट, पेरे मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस और होलो मेटाबोलस। बच्चों आपको याद करना है, अगर करना नहीं करना मत करना, छोड़ दो, बट इस कंडीशंस को आपको एकदम याद करना ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि ये कॉकरोच में दे रखा है। ये मेटाबोलस का मतलब इसमें मेटामॉर्फोसिस होता नहीं, तो इसमें सीधे यंग और एडल्ट होता है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि सिल्वर फिश। तो एक एग्जांपल याद रखो, सिल्वर फिश में डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट। पैरामेटाबोलस मतलब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, जैसे कि कॉकरोच है, ग्रास हॉपर्स है, तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट मतलब नो लार्वल स्टेज, तो कॉकरोच में लार्वा नहीं होता है। हेमी मेटाबोलस कंडीशंस,
इसमें इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना, ड्रैगन फ्लाइज जैसे, और हेलो मेटाबोलस इसमें लार्वल स्टेज होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लार्वा, पीपा और एडल्ट सारे स्टेजेस मिलते हैं तुम्हारा, जैसे कि हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज के अलावा यहाँ पर बॉम्बेक्स है, बीटल है, मस्का डोमेस्टिका है, और मॉस्किटो मतलब क्यूलेक्स वगैरह होता है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम लोग याद करते हैं कि इनका जो लार्वास का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखना, इसको भी ध्यान रखना। तो दो चीज़ इस पेज पे याद रखना है बच्चों, बाकी तुम्हें भूलना भूल जाओ, एक पैरामेटाबोलस कंडीशंस और ये होलोमेटाबोलस, जैसे कि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और ये कुछ लार्वल के स्टेज के नाम है, जैसे बॉम्बैक्सिलिक वॉर्म्स का लार्वा का नाम होता है तुम्हारा बच्चों कैटरपिलर, ठीक है ना, बेटल या हनी बी के लार्वा का बोला जाता है ग्रब, मॉस्किटोज हाउस फ्लाइज होता है उसको मैगोट, और जो मॉस्किटोज होता है उसको रेंगलर कहते हैं। तो ये तीन चार लार्वास के नाम है, चार ही हैं बस, इसको तो याद कर लेना बच्चों, क्योंकि ये हो सकता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो भूलना नहीं है, कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, एग्जाम्पल्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एन सी आर टी वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद वन बाई वन करके सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स को एन सी आर टी में भी इस तरह से कैटेगरीज बना के रखा गया है, ठीक है, एन सी आर टी में इसी तरह से क्या करके रखा, कैटेगराइज करके रखा गया बच्चों, ठीक है। तो पहला कैटेगरीज है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, और दूसरा है वैक्टर, तीसरा है ग्रेगेरियस बेस्ट, और चौथा इसमें एक लिविंग फॉसिल्स का दे रखा है। तो वन बाई वन करके देख लेते हैं। तो पहला इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में है एपिस, हनी बी, एपिस, ठीक है ना। तो हनी बी जो है उससे हमें ऑब्टेंड होता है तुम्हारा हनी और बी वैक्स, तो ये हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। बॉम्बैक्स, यस को बोला जाता है सिल्क वॉर्म्स बोला जाता है, बॉम्बैक्स और सिल्क वॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो बॉम्बैक्स और सिल्क वॉर्म जो है ये इससे सिल्क ऑब्टेंड होता है, जैसे कपड़ा और जो भी क्लोथ या जो भी साड़ी वगैरह बनता है, सिल्क का साड़ी वगैरह इससे बनता है, तो ये भी हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। लेसिफर, लैक इंसेक्ट, इससे लैक ऑब्टेंड होता है, जिससे टॉय, बैंगल्स और भी बहुत सारे ऑर्नामेंटल या कॉस्मेटिक मटेरियल्स वगैरह इससे बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो तीन चीज़ें यहाँ पे, ये इंसेक्ट के प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आ जाते हैं वैक्टर। तो वैक्टर का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो इंसेक्ट का ग्रुप है वो किसी ना किसी बीमारी को फैलाता है, डिजीज को स्प्रेड करता है, जैसे एनोफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडिस मॉस्किटोज वगैरह हो गया, ठीक है बच्चों। एनोफ्लीज बच्चों पता ही होगा, फीमेल एनोफ्लीज क्या करता है, मलेरिया का स्प्रेड करता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो हो गया, ठीक है ना, क्यूलेक्स मॉस्किटो ये बेसिकली जैसे 12th के एनसीआरटी में हेल्थ एंड डिजीज में दे रखा, फिलेरेसिस, हाथी पाँव डिजीज, उसमें एलिफेंटेसिस को ये स्प्रेड करता है तुम्हारा, मतलब ये विचलेरिया को स्प्रेड करता है। एडिस मॉस्किटो जो हो गया ये डेंगू का पॉजिटिव एजेंट्स होता है, मतलब ये डोंगी के जो पॉजिटिव एजेंट्स को स्प्रेड करता है तुम्हारा, तो ये एडिस मॉस्किटो जो हो गया ये डेंगू फैलाता है। नेक्स्ट आता है ग्रेगेरियस पेस्ट, तो इसमें एग्जाम्पल लोकस्टा, लोकस्ट बोला जाता है स्पेशली, तो यहाँ पे ग्रेगेरियस और पेस्ट का मतलब हो गया अनवांटेड एनिमल्स। ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि ये ग्रुप है एनिमल्स का, मतलब कॉलोनी जैसा, लेकिन नॉट अ कॉलोनी, इसके लिए ग्रेगेरियस एक वर्ड अलग से रखा हुआ है, ग्रुप है एनिमल्स का, बट यहाँ ग्रुप में जो है एनिमल्स वो एक दूसरे का हेल्प नहीं करते, दैट मीन्स क्या हो गया, ग्रेगेरियस वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। और पेस्ट का मतलब अनवांटेड, तो ग्रेगेरियस पेस्ट है। लोकस्ट ये भी क्या होता है, जो फार्मर्स फील्ड्स होता है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा झुंड में आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप में आते हैं और वो खेत को नुकसान पहुँचाते हैं तुम्हारा। लास्ट है लिविंग फॉसिल्स, ल्यूमुलस, किंग क्रैब जिसको बोला जाता है, पता नहीं देख रहा कि नहीं बच्चों, ल्यूमुलस और किंग क्रैब्स बोला जाता है, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल्स क्या है, यहाँ पे फॉसिल्स का मतलब आप सोच रहे होंगे कि कोई डेड पार्ट हो गया जो पत्थर वगैरह में कन्वर्ट हो गया है, बट यहाँ पे वर्ड पहले से लगा रखा लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल्स का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल्स एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन, जब वो इवॉल्व होके बना था, उसके बाद से अब तक उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आया है, तो सच एनिमल्स नोन एज द लिविंग फॉसिल, जैसे ल्यूमुलस, किंग क्रैब्स हो गया, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशंस में। तो पहले मैंने तुम लोगों को बताया था बच्चों कि इसमें सिर्फ दिया तो बहुत सारे क्लासेस है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ तीन क्लास याद रखना है, बट इस तीन क्लास से पहले कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है उसको याद रख लो बच्चों, तो बहुत ज़्यादा जरूरी हम लोगों के लिए। एक है पेरीपेटस, ठीक है ना, पेरीपेटस जो होता है ये कनेक्टिव लिगमेंट होता है एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडस के बीच में, ठीक है।
मुसला लिमुलस किंग क्रैब्स आएंगे या ये लिविंग फॉसिल्स होता है बता चुका हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल्स है तुम्हारा सेंटीपीड्स और एक एग्जांपल होगा यहाँ पे मिलीपीड्स। सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स का साइंटिफिक नेम होता है स्कोलियो पेंडरा और मिलीपीड्स का जूलस, इसमें एग्जांपल्स मतलब उसका साइंटिफिक नेम होता है। सेंटीपीड्स का जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है पॉइजनस क्लॉज में, मतलब ये पॉइजनस होता है। इसको हिंदी में शायद आई थिंक कन खजूरा बोला जाता है जो बहुत तेज़ी से चलता है। और मिलीपीड्स होता है ये छोटा रेडिश कलर का होता है, जब इसको टच करेंगे तो ये गोल ऐसे स्पाइरल में कुछ बना लेता है, तो उसको बोला जाता है मिलीपीड्स। तो ये भी इंसेक्ट है, नॉट है एनलीड्स, इंसेक्ट ध्यान में रखना बच्चों, मतलब सॉरी ऑर्थ्रोपोड्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं एरेकनिडा। तो एरेकनिडा अगर वर्ड याद हो रहा हो तो ठीक है, नहीं याद हो रहा तो इसमें ध्यान रखना है स्कॉर्पियन और स्पाइडर, टिक्स और माइट्स इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। और इसी में बोला था मैंने हेड और थॉरिक्स मिलके सिफेलोथॉरिक्स बना लेता है और एब्डोमेन्स तो होता ही होता है। बुक लंग्स होता है और ट्रैकियाज वगैरह या दोनों हो सकता है। मालपेगन सिविल एक्सक्रीशन के लिए या कॉक्सल ग्लैंड्स वगैरह हो सकता है। एग्जाम्पल तो बताई दिया स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियंस में हो गया पैलामेनस और एक बैथस भी ध्यान रखना BUTHUS बैथस, ठीक है बच्चों। बेथस मतलब ये ब्राउन कलर का स्कॉर्पियंस वगैरह होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। इसके अलावा स्पाइडर हो गया, टिक्स हो गया और माइट हो गया, किसके एरेकनिडास के एग्जाम्पल से। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट है तुम्हारा क्लास है क्रस्टिशियंस। इसमें भी देखो सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन्स में बॉडी बटा हुआ रहता है, मतलब हेड और थोरेक्स फ्यूज किया गया है। इसके बाद आ जाओ इसमें क्या क्या है, इसमें टू पेयर एंटीनास प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशंस के लिए यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। रिस्पायरेशंस के लिए गिल्स प्रेजेंट होता है। ये कुछ पार्ट पॉइंट है इसमें याद रखना है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, प्राउन पेलामोन्स कैंसर क्रैब साइक्लोप्स वाटर फ्ली डेल्फिया वाटर फ्लीज बेलेनस बार्निकल्स लूसीफर श्रिंक्स हो गया यूपेगरस हर्मिट क्रैब्स स्टेरकस क्रैब फिश और लोबस्टर्स। ये सारे एग्जांपल याद करना है ना, डोंट थिंक ये एनसीईआरटी में दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बट जो भी एनसीईआरटी वाला एग्जांपल्स होगा उसको पहले प्रेफरेंस दे देना है हम लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे जो फाइलम्स में आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्लास जो है इंसेक्टा है या इसको हेक्सापोडा कहा जाता है क्योंकि इसमें थ्री पेयर लेग्स प्रेजेंट होता है और इसका बॉडी हेड थोरेक्स और एब्डोमेंस में बटा हुआ रहता है। तो बच्चों अगर इसको तुम याद करोगे तो कॉकरोच का मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर तुम्हारा कवर हो जाएगा। जैसे क्या क्या कुछ कुछ चीज़ें खास देखो, वन पेयर इसमें एंटीना होता है, टू पेयर विंग्स होता है, थ्री पेयर लेग्स प्रेजेंट होता है, मालपेगन ट्यूबल से एक्सक्रीशन होता है, ट्रैकिया से रिस्पायरेशन होता है, ठीक है ना। यूरिक एसिड इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के तौर पे रिलीज होता है, ये कुछ कुछ हो गया। अब इसमें एग्जांपल है जैसे कॉकरोच है तो पढ़ना याद रखना पेरिपेलेंटाना, डोमेस्टिक मॉस्किटो हाउस फ्लाइज हो गया मस्का डोमेस्टिका, सॉरी मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एनी फ्लीज हो गया या क्यूलियस एडिस में से कोई भी सब मॉस्किटोज ही हैं, लेपिस्मा सिल्वर फिश कहा जाता है या बुक फिश भी कहते हैं, बुक इंसेक्ट भी कहा जाता है, टर्माइट्स है, बैटल है, सिल्क मॉथ पढ़ाई अभी, रेड फ्लीज एनोप्सिलास, ठीक है ना, प्लैग फैलाता है, हनी बी एपिस वेस्प है, ड्रैगन फ्लाइज है, ठीक है। उसके बाद ग्रास होपर है, लोकस्ट है, लीफ इंसेक्ट है, बटरफ्लाई बेड बग ह्यूमन लॉस जुए जो होता है मॉथ एपिस लेक्ट इंसेक्ट एंड सैंड फ्लाइज वगैरह हो गया इसमें। तो इसमें से बच्चों पहले तो उनको याद करो जो एनसीईआरटी में दिए हैं, बाकी तो नॉर्मल आम घरों के आसपास कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं, तो इसमें इसको याद करना तो उतना ज़्यादा टफ नहीं है बाकी जितना जैसे मान लो सिलेंडेटा टेनिफोरा इन सब में थोड़ा सा टफ था, यहाँ पर तो बहुत ईजी जो भी ऑलरेडी देखा हुआ है ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका क्लास, ठीक है बच्चों। कुछ और चीज़ें यहाँ पे आपके जेम्स ऑफ नॉलेज के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ, तो इसको भी ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू से अच्छे पॉइंट्स हैं ध्यान में रखना। जैसे हनी बी टर्माइट्स और वाइट इंसेक्ट ये सब सोशल और कॉलोनियल इंसेक्ट होते हैं, मतलब ये हमेशा कॉलोनीज बना के रहते हैं और इस कॉलोनीज में हर इंसेक्ट का एक अपना पर्टिकुलर रोल होता है। उसके बाद आ जाओ पॉलीमॉर्फिजम्स। पॉलीमॉर्फिजम्स का मतलब बहुरूपता, एक ही ग्रुप एक ही स्पीसी में एक से ज़्यादा फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं।
जैसे फाइसिलिया, ठीक है ना, टिप्नोसोमा और हनी बी, ये तीनों शो करते हैं। जैसे फाइसिलिया में एक कॉलोनी में 4 मेंबर होते हैं, और हनी बी में पता ही है 3 तरह के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रख लेना बच्चों, ठीक है। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन ये बहुत बार आया हुआ है कि व्हाट इज द कॉमन फीचर बिटवीन द स्कॉर्पियन, सिल्वर फिश, प्राउन्स, ड्रैगन फ्लाइज, इन सब में ये इंसेक्ट है, ज्वाइंटेड अपेंडिजेस होता है और काइटिनस एक्सो स्केलेटन्स होता है। उसी तरह से कॉमन फीचर लीच, स्कॉर्पियन एंड कॉकरोच में क्या होता है, इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। पहले जान लेना, वेंट्रल साइड में इसमें नर्व कॉर्ड हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया ना एनिनिडा और ऑर्थोपोडास का जो नर्वस सिस्टम होता है वो एकदम बिल्कुल सेम होता है। मैंने एक ही बार पढ़ाया था, एनिलिडा के टाइम पे ही पढ़ाया था तुम्हारा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रहा आज के लिए हमारा दो फाइलम, जिसमें हम लोगों ने एनिलिडा और ऑर्थोपोडा को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है ना। डिटेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितना भी एनसीईआरटी के हिसाब से जरूरी था वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो इस सारे को देख के याद कर लेना, नोट्स बनाना, नोट्स बना लेना, जैसा भी आपको अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। तो लास्ट में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, अच्छा लगा है या बुरा लगा है, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी नए हैं मेरे इस चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियोस को शेयर करिए, स्पेशली उन फ्रेंड के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। स्टे एट होम और आप अच्छे से स्टडी करिए, आपका नेट एग्जामिनेशन जब भी डेट आएगा तो देख लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15-20 दिन मान के चलो डिले तो होने ही वाला है, ठीक है। तो नए डेट के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, पढ़ाई का टेंशन लीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।